वेलकम टू एवरी वन, दिस इज़ लर्नर्स अकेडमी बाय बीहा बलोच। आई एम शाइस्ता बुखारी, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ शिज़ोफ्रेनिया। अब शिज़ोफ्रेनिया जो है, इसको जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इन सब डिसऑर्डर्स में से सबसे मेजर डिसऑर्डर जो है वो कंसीडर किया जाता है। समटाइम शिज़ोफ्रेनिया को जहनी बीमारियों का कैंसर भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो है वो पेशेंट्स जो है वो अपने रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, बहुत ज़्यादा रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि इंसान की रियलिटी जो है वो कुछ और होती है और वो कंसीडर जो है वो उसको एक्सपीरियंस कुछ और कर रहा होता है। अब शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशंस में बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, लाइक क्लासेस ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच स्वेयर डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी अकर, कि शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डिसऑर्डर की ऐसी क्लास है जिसमें डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी जो है वो अकर होती है। शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर आर अ क्लासेस ऑफ डिसऑर्डर्स मार्क बाई डिल्यूजन्स, हलूसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड डिस्टॉर्शन ऑफ अडेप्टिव। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। डिस्टॉर्शन अकर इन विच आइडियाज आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड टू द क्वालिटी परसेप्शन एंड अटेंशन। अब सारी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप, पैरानॉइड टाइप, कैटाटोनिक टाइप एंड अनडिफ्रेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया जो है वो होता है। अब फर्स्ट वन, डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, मार्क बाय इनअप्रोप्रिएट इमोशंस, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, साइलेंस एंड अदर स्पीच बिहेवियर एंड स्ट्रेंज एट अ टाइम एब्सेंस ऑफ बिहेवियर। अब डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या होता है कि इसमें इंसान की जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इंसान जो है वो समटाइम शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक टॉपिक डिस्कस करते करते जो हैं वो दूसरे टॉपिक पे जंप लगा लेते हैं, उनकी बातें जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, उनकी बातें जो हैं वो समझ नहीं आ रही होती। समटाइम एक पेशेंट है वो कह रहा है कि मैं जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, और फिर कहता है कि मैं दर्जी हूँ और एक शर्ट जो है वो 5 रुपये की सीता हूँ। तो उनकी जो बातों में जो है वो कोई सिलसिला नहीं होता, उनकी स्पीच जो है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, समझ से बाहर होती है। उसके बाद सेकंड टाइप है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड टाइप का हो जाता है। द पेशेंट एक्सपीरियंस डिल्यूजन्स एंड हलूसिनेशंस ऑफ हिज ओन ग्रेटेडनेस, के इसमें जो है वो पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा होता है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं लाइक पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के, वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम जो है वो कोई बहुत बड़े वली हैं, कोई पैगंबर हैं, या समटाइम अपने आप को वज़ीर आज़म भी समझ रहे होते हैं। सॉरी फॉर डिसकंटिन्यू, हम जो है वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे थे। अब जो है वो थर्ड टाइप को देखते हैं जो कि है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया इज मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द मोटर एक्टिविटी एंड मस्कुलर कंट्रोल। मेजर डिस्टर्बेंस अकर इन मूवमेंट एट अ टाइम्स, ऑल मोशन स्टॉप्स एंड द पेशेंट जस्ट फ्रीज इन वन पोजिशन। This frozen posture may last for a horns or even a days. In some phases, the patient exhibit wild free floating and even violent movement. अब कैटाटोनिक टाइप में क्या होता है, कैटाटोनिक टाइप में ये होता है कि मोटर एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, मोटर एक्टिविटीज़ एंड मस्कुलर कंट्रोल जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। मेजर डिस्टर्बेंस जो है वो मूवमेंट में होती है, लाइक अगर पेशेंट जो है वो किसी एक पोज में खड़ा है तो वो कई कई घंटों बल्कि कई कई दिनों तक उसी पोस्चर और उसी पोज में जो है वो खड़ा रहता है, यहाँ तक कि मरीज़ के या फिर पेशेंट के जो है वो हाथ पांव जो है वो स्वेल हो जाते हैं, उसकी बॉडी जो है वो स्वेल हुई पड़ी होती है। ठीक है, अब एक केस जो है वो देखने में आया था जिसमें एक पेशेंट ने जो है वो अपना हाथ कई दिनों तक उठाए रखा,
कैटाटॉनिक टाइप में जो है वो रहा कई दिनों तक। फिर बाद में जब उससे पूछा गया कि उसने जो है ये हाथ क्यों उठाया हुआ था, तो उसने बताया कि जनाब मेरे हाथ पे जो है वो नेकी और बदी की जंग हो रही थी, अगर मैं वो हाथ नीचे हटा लेता या छोड़ देता तो बुराई जो है वो जीत जाती और अच्छाई जो है वो हार जाती। तो इसी टाइप के जो है वो उन किस्म के फॉल्स बिलीव्स होते हैं, इसी टाइप की जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड उनकी थॉट्स होती हैं, उनकी स्पीच होती है, उनकी थिंकिंग होती है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है वो होती हैं, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टाइप है वो है अनडिफ्रेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया। अब अनडिफ्रेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि द वैरायटी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेजर सिम्टम्स फाउंडेड इन अदर वैरायटीज़। दिस डायग्नोसिस इज़ यूज्ड व्हेन पेशेंट डू नॉट फिट इनटू एनी वन ऑफ द मेजर कैटेगरी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अब अनडिफ्रेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि जब पेशेंट में जो है वो पाई जाने वाली सिम्टम्स या फिर नज़र आने वाली सिम्टम्स में है, बाकी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। लाइक वो पैरानॉइड कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, वो डिसऑर्गेनाइज कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो मिक्स्ड सिम्टम्स जो हैं वो आ रही हैं, उसमें उसके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो इतनी सारी आ रही हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो इसी वजह से इसे जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो रेड्यूसल शिज़ोफ्रेनिया। रेड्यूसल शिज़ोफ्रेनिया कंसिस्ट ऑफ माइनर साइंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आफ्टर द मेजर एंड मोर सीरियस एपिसोड्स। अब रेड्यूसल शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसमें पेशेंट जो है वो तकरीबन रिकवर जो है वो हो चुका होता है, उसकी पॉजिटिव सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं और जस्ट उसमें नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो बाकी होती हैं, यानी कि पेशेंट की ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी होती है, तो उसको जो है वो रेड्यूसल शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। उसके बाद सिम्टम्स आ जाती हैं शिज़ोफ्रेनिया की, सिम्टम्स इन शिज़ोफ्रेनिया। अब इसमें फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो डिल्यूजन है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड विदड्रॉल। अब डिल्यूजन फर्स्ट वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि डिल्यूजन जो है वो क्या होती है। डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन्स आर द फॉल्स बिलीव्स दैट यूजुअली इन्वॉल्व अ मिस्टेकन प्रिटेंडेड ऑफ परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। अब डिल्यूजन्स जो है वो क्या है, ये पेशेंट के जो है वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं, मिस्टेकन उसकी थिंकिंग होती है, उसकी परसेप्शन होती है, ठीक है, जो उसके माइंड में जो है वो आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान को जो है वो, एक इंसान को डिल्यूजन है कि मेरा जो है वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी थॉट्स को जो है वो कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है, उसकी थिंकिंग को जो है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसकी जो है डेली एक्टिविटीज़ को कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो झूठ बोलता है, चोरी करता है या फिर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है, तो वो कहता है कि जनाब ये जो है मैं नहीं कर रहा, कोई और कुव्वत है, कोई और पावर है, कोई और चीज़ है जो मुझसे जो है वो ये सारी काम करवा रही है। तो इसे क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, कि इंडिविजुअल बिलीव दैट हिज थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द समवन एल्स एक्सप्रेस अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड और अ बॉडी। उसके बाद ग्रेंडियोसिटी डिल्यूजन्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट जो है वो अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ सेल्फ होती है, उसमें जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ जो है वो समझ रहा होता है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मैं फ़ौज का जनरल हूँ, ठीक है, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस टाइप की जो है वो थिंकिंग इस टाइप के डिल्यूजन्स में होती है, ऐसे पेशेंट्स में होती है जिनमें डिल्यूजन्स की सिम्टम्स जो हैं वो आ रही होती हैं। अब सेकंड पे है हलूसिनेशंस एंड परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स। हलूसिनेशंस में क्या होता है कि जनाब हलूसिनेशंस में जो है वो द शिज़ोफ्रेनिक हैज़ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव। दे मे हियर वॉइसेस, सम पीपल्स और ऑब्जेक्ट्स और स्मेल थिंग्स दैट अदर्स फाइंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। The hallucinations means reality to the schizophrenic. Hallucinations are usually based on the delusions. The sense of own body is also affected in schizophrenia.
अब हलूसिनेशंस में क्या होता है, ये बेसिकली हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस जो है वो पेशेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। वो सेंसेस से रिलेटेड, लाइक वो ऐसी आवाज़ें सुनता है जो आवाज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ऐसी फेसेस को देखता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ऐसी स्मेल्स को जो है वो फील करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवाज़ों का सुनना, चेहरों का नज़र आना, जिनों भूतों का नज़र आना, ऐसी चीज़ें जो आम इंसानों को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स जो है वो उनको देख रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सड़कों पे काफ़ी लोगों को देखा होगा जो एबनॉर्मल होती हैं, जो अपने घरों से दूर होते हैं, ठीक है, जो दूर होते हैं वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, अपने आप में मगन होते हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है, किस माहौल में वो जा रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, ये चीज़ इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता, वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो यही शिजोफ्रेनिया के जो है वो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बेसिकली हलूसिनेशन की सिम्टम्स जो हैं वो उनके अंदर आ रही होती हैं। अब इसमें क्या है, द सेंस ऑफ ओन बॉडी इज़ आल्सो इफेक्टेड इन शिजोफ्रेनिया। अब इंसान की जो है वो अपनी बॉडी से रिलेटेड जो सेंस है वो भी इफेक्टेड होती है। समटाइम वो अपनी बॉडी के अपनी बॉडी को जो है वो डिफरेंट तरीके से दूसरों को बता रहे होते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरी बॉडी पे ये चीज़ें चल रही हैं, मेरी बॉडी पे वो चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे ऐसे फेसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि रियलिटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, ये उनके जो है वो हलूसिनेशंस होती हैं जो उनको आ रही होती हैं। उसके बाद जो थर्ड मेजर सिम्टम्स है उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, ओवरऑल शिज़ोफ्रेनिक शोज अ फ्लैट ब्लैंक एंड ब्लाइंड इमोशनल रिस्पॉन्स, आल्सो देयर इमोशनल रिस्पॉन्स इज इनअप्रोप्रिएट। अब इसमें क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, इमोशंस का जो है वो किन जगह पे, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें नहीं होती, इमोशनल मैनेजमेंट उनमें नहीं होती, ठीक है, हंसने वाली चीज़ों पर जो है वो रो रहे होते हैं, रोने वाली चीज़ों पर हंस रहे होते हैं, इस किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो उनका होता है। उसके बाद जो फोर्थ सिम्टम है वो विद्रॉल की सिम्टम है। अब इसमें क्या होता है कि शिजोफ्रेनिक लाइव इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, शिजोफ्रेनिक विद्रॉल फ्रॉम अदर्स, दे अवॉइड सोशलाइजिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर एक्टिविटीज़। अब विद्रॉल में क्या होता है कि ये विद्रॉल सोसाइटी से भी हो सकता है, ये विद्रॉल दूसरे इंसानों से भी हो सकता है, ये विदड्रॉल जो है वो अपने आप के इंटरेस्ट से भी हो सकता है। इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में जो है वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं, वो सोशलाइज होने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, उनका जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ऐसी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ जो उनको खुशी दे सकती हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय करना जो है वो नहीं करते, इंजॉय करना भूल जाते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। इन एक्सट्रीम केस दे आर ऑब्सेसिव ऑफ द पर्सन्स ऑफ द अदर्स, और इन एक्सट्रीम केसेस में वो दूसरों की पर्सन्स को फील ही नहीं कर पाते अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो विथड्रॉल की सिम्टम्स जो है वो चली जाएं तो। अब इसकी जो मेजर सिम्टम्स होती हैं उसमें यही है कि हलूसिनेशंस होंगे, डिल्यूजन्स होंगे, विदड्रॉल सिम्टम्स होंगी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगी। उसके अलावा शिजोफ्रेनिया की जो सिम्टम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, एक को पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, एक को नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे डिल्यूजन्स आ जाते हैं, हलूसिनेशंस आ जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ जाती है, एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच में आगे जो है वो फर्दर डिवीजन है जिसमें डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर हो गया, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गई। और नेगेटिव सिम्टम में हमारे आ जाते हैं फ्लैट इफेक्ट, आइसोलेशन एंड विदड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट पे जो है वो देखते हैं कि शिजोफ्रेनिया को जो है वो ट्रीट किस तरह से किया जाता है, इसको इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट वन पे जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो अप्लाई की जाती है पेशेंट पे, उसको जो है वो मेडिकेशन दी जाती है, मेडिकेशन के थ्रू शिजोफ्रेनिया की जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। देन फिर मेडिकेशन के बाद जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आता है, तो उस पर जो है वो अदर साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिसमें CBT आ जाती है, बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, NREBT आ जाती है। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारा आज का टॉपिक है शिजोफ्रेनिया, जिसमें हमने शिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसकी सिम्टम्स एंड उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस जो है वो किया है। अगर इससे मुतल्लिका कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो यू कैन आस्क मी।
एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।